योगी जी आए हैं, मोदी जी आएंगे 2024 में, 2024 में मोदी जी को लाएंगे। क्योंकि योगी और मोदी तो ऐसे व्यक्ति, वो योगी हैं, उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं, किसी धन की कोई लालसा है नहीं, तो संपूर्ण व्यक्तित्व तो सब कुछ समाज के लिए समर्पित है उनका। योगी जी के द्वारा दाब दिए गए हैं, इनकाउंटर उनके हो रहे हैं, इसी कारण से हो रहे हैं। योगी जी ने हर क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान प्रदान किया है, महिलाएं आगे बढ़ के हर चीज में हिस्सा ले रही हैं। गाना याद आ रहा है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में, मेरा नाम है सार्थक शर्मा। कल योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन था, सूबे के सबसे बड़े मुख्यमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में जाने जाते हैं। 51 साल के हो गए, देश में विदेश में सब जगह उनका ये जन्मदिन मनाया गया। और पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि 5 दिन उनका जन्मदिन मनाया गया था, आज भी यहाँ पर महिला मोर्चा ने उनका जन्मदिन मनाया है। इनसे जरा बातचीत करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे योगी जी के लिए, ने उन्हें जब केक काटा तो इन्होंने क्या दुआएं मांगी। मैडम आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, कैसे देखते हैं योगी जी का जन्मदिन मनाया, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम विनीता चौहान है। आज हमने अपने महाराज जी का जन्मदिन मनाया है, बहुत धूमधाम से केक काट करके, और आपस में बहनों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई हैं। बहुत सुंदर तरीके से आज हमने जन्मदिन मनाया है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो योगी जी को टारगेट करते हैं, कहते हैं कि इनको मुख्यमंत्री नहीं बने रहना चाहिए, इनको तो हटा देना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, आज आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग कितने सुरक्षित हैं योगी जी को मुख्यमंत्री, आज तो योगी जी को सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी का महिलाओं के लिए मुख्य उद्देश्य एक ही है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं शिक्षित हों, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हों, उत्तर प्रदेश की महिलाएं स्वावलंबी बने, इसी उद्देश्य के साथ योगी मोदी जी कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत सुरक्षित हैं, तो योगी जी को तो सभी बहुत पसंद करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पसंद अच्छा, नहीं करते जी। अच्छा, तो नहीं लगता बाहर निकलते हुए कहते हैं 2017 से पहले डर लगा करता था और अब भी डर वो कायम है लोगों में? डर तो कोसों दूर चला गया है भैया, जब से योगी जी आए हैं प्रदेश में महिलाएं लड़कियां सभी इतनी सुरक्षित हैं कि बस वाह वाह कर रही हैं कि हमें जैसा राजा चाहिए था उत्तर प्रदेश में, हमें वैसे योगी जी के रूप में वैसे ही राजा मिले हैं। और हम चाहेंगे कि बार बार योगी जी आएँ और महिलाओं का इसी तरह सम्मान बढ़ता रहे अपने प्रदेश में, और महिलाएं सुरक्षित भी रहें, बेटियां सुरक्षित रहें। उन्होंने ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कार्य महिलाओं के लिए छोड़ा हो कि जिसमें महिला कहीं सुरक्षित नहीं है, हर जगह सुरक्षित है, चाहे वो कार्य में हो, कार्य क्षेत्र में हो, कॉलेज में हो, या ड्यूटी पे जा रही हो, किसी भी तरह का आप वो लगा लीजिए कि हर तरह से महिलाएं सुरक्षित हैं। और योगी जी के राज में तो कुछ कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि भगवान का रूप कहें कि उनका अवतार कहें, गुंडागर्दी दूर तक चुन चुन के उन्होंने एक एक गुंडा दूर भेज दिया या ऊपर भेज दिया है। अच्छा, आप तो जब बीजेपी से ही हैं तो विपक्ष सवाल करता है हमेशा, ये कहता है कि जब सारे ही गुंडे बीजेपी में आ गए तो फिर गुंडागर्दी कौन करेगा? ये तो देखो, दूसरी पार्टी के लोगों को कुछ ना कुछ बोलने को चाहिए ही है, चाहता है, क्योंकि वो हिंदुत्व पर भी बोलते हैं योगी जी, क्योंकि आजकल लव जिहाद का जो इतना मामला चल रहा है ना, उसके विषय में एक्चुअली सबको परेशानी है। दूसरे समुदाय के लोग जो हैं वो बोलते हैं, अन्य कोई नहीं बोल रहा, सब जितनी 36 कौम हमारी एक धर्म को छोड़ के बाकी सब जो है वाह कर रहे हैं कि योगी बाबा बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सच तो है, उसमें भी कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो योगी बाबा की जय जयकार कर रही हैं, जैसा कि हमारे योगी जी, मोदी जी ने अभी 3 तलाक का भी मामला किया है, तो उसमें महिलाएं इतनी खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अत्याचार सहने पड़ रहे थे और उससे उनको छुटकारा मिला है। योगी मोदी के राज में जो छुटकारा मिला है, तो महिलाएं तो बहुत ही खुश हैं इस बात को लेकर। महंगाई तो कहीं पर भी नहीं नज़र आ रही है, मैं तो ये देख रही हूँ कि मोदी और योगी जी ने मिलकर समाज के लिए इतना कुछ किया, हर क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ पर कि विकास कार्य ना हुआ हो, तरक्की ना हो, कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि जहाँ पर कि गुंडे मवाली लोग हर घर में अपनी अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे थे, आज महिलाएँ क्या हर घर सुरक्षित है और पूरा समाज सुरक्षित है। योगी जी का नाम ज़्यादा बेहतर लगता है या बुलडोजर बाबा का नाम जो चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर लगता है? दोनों नाम बहुत अच्छे हैं, और क्योंकि इससे हमारी योगी जी और मोदी जी की ख्याति जो है और बड़ी हो रही है, विस्तृत रूप से व्यापक क्षेत्र में इस चीज़ का व्यापक प्रचार और प्रसार हो रहा है। और बुलडोजर का मतलब यही है कि समाज उन्नति करे, तरक्की करे, आगे बढ़े, उन्नति हो,
महिलाओं की और किसानों को भी सम्मान निधि देकर सम्मानित किया जा रहा है। कोई भी मैं देखती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी जागृति उत्पन्न हुई है। हमारे सहारनपुर में खुद विश्वविद्यालय आया हुआ है। मेडिकल के क्षेत्र में कुछ समय जब कोरोना काल फैला हुआ था, चारों तरफ त्राहित्राही मची हुई थी, हमारी सरकार ने ही समझ लीजिए कि सारी जनता को बचा लिया, वरना बड़े बड़े विकसित देशों में भी जनता मरती चली गई। और हमारे यहाँ आज भी अन्न की व्यवस्था मोदी सरकार द्वारा दी जा रही है, गरीबों को भी सम्मान से पूरा खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। ऐसी कौन सी सरकार होगी जो तन मन धन से जनता की सेवा में लगी हुई है? क्योंकि योगी और मोदी तो ऐसे व्यक्ति, वो योगी हैं, उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं, किसी धन की कोई लालसा है नहीं, तो संपूर्ण व्यक्तित्व सब कुछ समाज के लिए समर्पित है उनका। और वो समर्पण और भावना इस तरीके की अर्पण की है कि जन जन प्रभावित है। और मोदी सरकार आज वर्चस्व में है और हमेशा रहेगी। और मुझे तो लगता है कि अब बीजेपी सरकार के अलावा दूसरी सरकार का इस हमारे देश में कोई आना मुश्किल है, असंभव आना मुश्किल है। आपको क्या लगता है कि 2024 में जैसे कहा जा रहा है, लोगों के दिलों की भी आवाज़ है, कह रहे हैं कि अब की बार मुख्यमंत्री को, जो सीएम योगी हैं, उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, क्या लगता है? अभी तो मोदी जी हैं, मोदी जी ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, दुनिया का काम है कहना, दुनिया का काम है उल्टा सीधा मोदी जी और योगी जी के बारे में बोलना। आजकल मोदी जी और योगी जी ने इतने कार्य कर दिए हैं कि जो हमारी पार्टी से अलग आदमी हैं उनसे सिर्फ चिढ़ने का काम कर रहे हैं। और हमारे मोदी जी और योगी जी को ये चाह रहे हैं कि इन्हें किसी तरह नीचे गिराया जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता, ना वो गिर पाए, क्योंकि हम सारी महिला मोर्चाएं उनके लिए इतनी मेहनत करती हैं। हमारी आज महिला मोर्चा विश्व में विख्यात हो चुके हैं और हमारे देश के अलावा अन्य देशों में भी उनको इतना सम्मान, इतना मान और स्वाभिमान उनका है कि शायद ही किसी राजनेता का हमारे देश से गए हुए जो नेता हैं उनका सम्मान किया गया हो। योगी जी को तो झुक झुक कर सैल्यूट मार रहे हैं लोग, सम्मान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो अच्छा, आप गाना गा रहे थे, सभी महिलाएं जो थी जब मैं आया था उस टाइम आप गाना गा रहे थे, कौन सा गाना था वो? हम योगी जी आए हैं मोदी जी आएंगे, योगी जी आए हैं मोदी जी आएंगे, 2024 में मोदी जी को लाएंगे, 2024 में मोदी जी को लाएंगे। अच्छा, आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं सुरक्षा व्यवस्था, अगर जो देखी जाए पहले की सरकारों में अच्छी थी या इस सरकार में ज़्यादा बेहतर? इस सरकार में अभी ये तो सबको पता है जितनी सुरक्षित अब महिलाएं अपने आप को करती हैं, पहले की सरकारों में क्या था, क्या हुआ करता था, दिन दहाड़े कोर्ट रोड पर, हमारे कोर्ट रोड पर कितनी गुंडागर्दी होती थी। तनिष्क का जो हमारा वो था, वो गोल्ड का शोरूम, वो लूट गया था और उसके बारे में उसके बाद जब शिकायत करेगी तो कोई भी एक्शन नहीं हुआ था। आज आप देख लीजिए, आज उन्होंने हर चीज़ का नंबर दे रखा है, छोटे बच्चों से जुड़कर भी उन्होंने हर नंबर दे रखा है कि अगर कहीं महिलाओं को ज़रूरत है तो इस नंबर पर कॉल करें, किसी को ज़रूरत है तो इस नंबर पर कॉल करें। मतलब हमारी सरकार हर समय मौजूद रहती है। अच्छा, हमारे लिए। अच्छा, वो गुंडे कहाँ चले गए जो पहले इतना आतंक मचाया करते थे, अब कहाँ गए? योगी जी के द्वारा दाब दिए गए हैं, इनकाउंटर उनके हो रहे हैं, इसी कारण से हो रहे हैं। योगी जी ने हर क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान प्रदान किया है, महिलाएं आगे बढ़ के हर चीज में हिस्सा ले रही हैं। पर कह रहे हैं एक तरफा कार्रवाई चल रही है, केवल मुस्लिम के ऊपर बुलडोजर चलता है और किसी के ऊपर नहीं। गलत है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊँ, अभी जो वो भी ब्राह्मण थे जिनका सबसे पहले बुलडोजर चला था, और यहाँ पर भी मैंने यही अपने सहारनपुर में ही देखा है, एक विनोद शर्मा करके नाम है, उनके भी घर में कुर्की भी हुई, वो भी हुआ, बहुत सारे गाना याद आ रहा है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये देखिए लोगों का काम। जितना मुस्लिम महिलाओं को और मुस्लिम लोगों के घर बने हैं, हिंदू लोगों के तो इतने घर भी नहीं बने। जितनी योजनाएं हमारी सरकार की योजनाएं, जितना लाभ मुस्लिम संस्कृति को प्राप्त हो रही है, उन योजनाओं का लाभ भी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम परिवार के। अब हमें कार्य मिला है, हम घर घर जाके सर्वे करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का, हमने जितना सर्वे करे हैं इतने मुस्लिमों को आवास मिले हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर चीज विवाह योजना में भी इतने लाभ तो लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग गए इनका देखा तो उसके ऊपर इन्होंने पूरा वो टेपिंग करा हुआ है। तो मैंने पूछा, भैया आपने ये टेपिंग क्यों किया हुआ है, इसको हटाओ, जब आप लाभ ले रहे हो तो ये बताओ ना कि हमने लिया मोदी जी के आदमी वोट, ये लोग देते नहीं है, लाभ पूरा ले रहे हैं। और हमारे यहाँ पर आपने ये देखा, मोदी योगी जी में सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास एक ही नारे के साथ काम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। महंगाई के मामले में उन्होंने बोलना ही बोलना है। आपने देखा, ये सभी महिलाएं थी जिन्होंने आज योगी जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। आपको एक खबर कैसी लगी, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।